थ्योरम 10.2 फॉर क्लास 10। स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर पी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जहाँ से पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट खींची गई है सर्कल के ऊपर। हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि पी क्यू का लेंथ और पी आर का लेंथ दोनों बराबर है। पी क्यू भी एक टेंजेंट है और पी आर भी एक टेंजेंट है और पी एक पॉइंट है। तो अब हमको देखना है क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है। गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी, ये दिया हुआ है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर का लेंथ इक्वल है। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में हम लोग ओ क्यू ओ पी और ओ आर को ज्वाइन कर देते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 में हम लोग देख चुके हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम लोग आर लिख लेते हैं, राइट एंगल है इसलिए आर। ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ आर पी में ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्रायंगल का एक साइड है इसलिए इसको एस लिख लेते हैं। ओ पी दोनों सर्कल में कॉमन है और जो कि हाइपोटेन्यूस है राइट एंगल ट्रायंगल्स का, इसलिए इसको एच लिख लेते हैं। क्लास 9 में आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड्स अगर इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर बाय आरएचएस ट्रायंगल ओक्यूपी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ओआरपी। हेयर आरएचएस स्टैंड्स फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। बाय सीपीसीटी पीक्यू इज इक्वल टू पीआर प्रूव्ड। सीपीसीटी स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थैंक यू।